डॉक्टर अभिषेक कुमार, आज आपको ये चलूँगा मधुबनी के एक बेहद ही प्रख्यात गांव जो है जितवारपुर। जैसा कि आप जानते हैं, मधुबनी में मधुबनी चित्रकला बनाने की परंपरा कई हजार साल पुरानी है, लेकिन आधुनिक युग में जब बात आती है तो 1934 के भूकंप को एक लैंडमार्क माना जाता है। डब्ल्यू जी ग्रेस के इतिहास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1966 ईस्वी में भास्कर कुलकर्णी, जो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से आए थे, वो इसी रास्ते से चलकर जितवारपुर गांव गए थे। आज ये जितवारपुर प्रख्यात है अपनी अपनी विधाओं के लिए, जो कई अलग अलग विधाएँ जैसे कि कचनी, भरनी और गोदना। मैं आपको बता दूं कि मधुबनी के कई ऐसे गांव हैं जहां मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है, लेकिन ये जितवारपुर इसलिए प्रख्यात है कि स्पेशली गोदना शैली की शुरुआत यहीं से हुई थी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी बाईं ओर रमा प्रसाद दत्त जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय जितवारपुर है। इसी हाई स्कूल के बगल में जितवारपुर के स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी स्थल का चयन हुआ है, और अब हम इस मार्ग से होते हुए जितवारपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग खड़े हैं जितवारपुर के हस्तकला आश्रम में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पीछे महिलाओं का एक समूह है जो मिथिला चित्रकारी पर अपना काम कर रहा है। हमारी बाईं तरफ जो एक बिल्डिंग है, हम उसमें देखते हैं कि जो हमारी जीविका दीदियां होती हैं वो वहाँ मिथिला चित्रकला के बारे में सीख रही हैं, जानकारी प्राप्त कर रही हैं और प्रैक्टिस भी कर रही हैं। यहाँ से सटे हुए भूभाग में एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसका चयन किया गया है यहाँ प्रस्तावित म्यूजियम के लिए, हस्तकला उत्पादन केंद्र के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक सुख सुविधाओं के साथ गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा जिसमें बाहर से आए हुए हमारे अतिथिगण ठहरा करेंगे। तो विदेशी अबै छथिन कतौ सँ, हम तऽ ओहिठाम जाइ छी, समस्या छै न टॉयलेट न ओहिठाम बढ़िआँ सँ हुनका रहके लेल, घुमऽ तऽ बड्ड लोक अबै छै, सबके मधुबनी जाय पड़ै छनि। तऽ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितवारपुर गांव में जाने से पहले हम देखते हैं गांव का एक सुरम्य वातावरण, जहां की एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है। तालाब के किनारे काली मंदिर है जो तंत्र मंत्र की साधना के लिए प्रख्यात है। अभी हम खड़े हैं अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी बलदेव झा उर्फ बाबा गरीबदास जी के इस समाधि स्थल पर, और थोड़ी दूर आगे चलकर हम पाएंगे पद्मश्री बउआ देवी का घर। तो आइए हम लोग चलते हैं पद्मश्री बउआ देवी के घर पर। बउआ देवी को मधुबनी चित्रकला में उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए, योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से वर्ष 2017 में नवाजा गया है। 13 साल की उम्र से हमर चलिए रहल कलम, हमरा नौ गांव के कोनो नहीं छला था, हम अपन काज में छे, हमरा ओहि पीछे कोनो नहीं है। तो पद्मश्री ने लोग कहे तो बुझे छी, तो हमरा नहीं कोनो है, हमरा बहुत चीज भेट गेल, नहीं भेटल भेटल तैयो नहीं भेटल, जे हमर काज है, जे हमर काज है से एखन हमरा पूरा ओही में जिंदगी समाप्त है, आ मोनो लगे ओही में भेटल किछु तऽ आर बढ़िआँ भेल। आ अब जे नया पीढ़ी छै ओकरो सबके भेटे तऽ आर खुशी है, आ आगा ई चीज मरै नहि, आगा चलैत रहै। यहाँ से थोड़े ही दूर पर जितवारपुर गांव खत्म हो जाता है, और इनके घर के बगल से ही एक रास्ता अंदर गया है जो हमें जितवारपुर के जितने कलाकार हैं उनके घरों तक ले जाएगा। हम लोग पद्मश्री बउआ देवी के घर के बगल से चलते हैं जितवारपुर गांव की ओर, जहां सघन आबादी है। मैं आपको बता दूं कि जितवारपुर गांव में जाने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते हैं। एक रास्ता उस तरफ है, एक रास्ता इसके बाद है, ये बीच का रास्ता है जिससे हम लोग जितवारपुर गांव की ओर जा रहे हैं। जितवारपुर गांव में लगभग 20 से 22 मीटर अंदर आते ही हमारा सामना होता है पद्मश्री सीता देवी के घर से। सीता देवी वो नाम है जो मधुबनी चित्रकला को आज स्थान दिलाने में अग्रणी रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जगदम्बा देवी के बाद सीता देवी वो नाम है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। आज भी उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम अब उस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ से जाएंगे क्योंकि आगे आबादी थोड़ी विरल हो गई है। इधर से हम सघन आबादी की ओर जाएंगे जहां बहुत से कलाकार आज भी
मिथिला चित्रकला की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए। उसी टाइम से ये कला का एक प्रचलन हुआ और लोगों में आज जन जन में देश से लेके विदेश के हर कोना कोना मिथिला लोक चित्रकला पहुंच गया। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां कला और कवि पहुंचे, वो वास्तविकता सही है जो प्राकृति का जो स्रोत है। ये घर है नेशनल अवार्डी स्वर्गीय चानो देवी का, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग को एक नई पहचान दिलाई। विशेषकर गोदना शैली के उत्थान में इनकी जो भूमिका है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस जमाने में जब इस गांव में नट्टी नाती थी और महिलाओं के बदन पे गोदना बनाती थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने उस चीज़ को इंस्पिरेशन लेकर के कागज़ पर उतारा और लोगों के बीच प्रस्तुत किया। आज ये हमारे बीच नहीं है। रौदी पासवान छलखिन हमारे पितिया ससुर, वो करे छलखिन पेंटिंग के कारोबार, तब तब हमारे चानो देवी सब छलखिन, हुनका से हम सब अपन सीख लगलिए। जितवारपुर में लगभग हर घर में मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है और यहाँ की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ आज भी ऐसे कलाकार हैं जो कागज़ पर नेचुरल कलर से पेंटिंग बनाते हैं। सबसे पहले जब मधुबनी पेंटिंग बनाने की शुरुआत हुई, उस समय एक्रेलिक पेंट्स नहीं होते थे। उस समय गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने पर्यावरण से, परिवेश से जो चीज़ें उपलब्ध होती थी उन्हीं चीज़ों को लेकर कागज़ पे चित्रकारी किया करती थी। और आज भी कई ऐसे कलाकार हैं जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये अपन स्टाइल पुराना नहीं छोड़ा लिया धनी जी, हमारा नेचुरल भले वो जगह जगह के अबे छथिन, सब पूछे छथिन, तो हम अपन इधे नहीं छी, हमरा अपना निक लगे। जान सासु जी बरैती न रे जान, दियौ हे सासु कोसा जान, दियौ हे सासु कोसा रे की सुंदरी पुतहुए